सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जिनका हमें अच्छे से अध्ययन करना है। साथियों, तीनों मॉड्यूल के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं, इनके नोट्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, इनकी प्रश्नोत्तरी के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है, लेकिन मेरे पास काफ़ी दिनों से कुछ मैसेज आ रहे थे कि सर, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के रिगार्डिंग आपकी वीडियो कम है, इसलिए शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित आप वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे। काफ़ी लंबे नोट्स हैं ये और काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इसलिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम आधे नोट्स को कवर करेंगे और पार्ट 2 में हम आधे नोट्स को कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को बीच में स्किप न कीजिए। और इन नोट्स को बनाने का श्रेय रीता कुमारी जी को जाता है, जो हमारे बरेली जनपद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। काफ़ी सुंदर नोट्स उन्होंने बनाए, इसके लिए रीता कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रीता कुमारी जी ने ये नोट्स बनाकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उपलब्ध कराए। उन्होंने मुझसे कहा कि सर, इन नोट्स को आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। ऐसे मेरे बहुत सारे मेम्बर्स हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप में, जो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, इस तरह के नोट्स उपलब्ध कराते हैं। उन सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वे शिक्षक हित में ये काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स रीता कुमारी जी ने बनाए हैं, किस तरह से हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन नोट्स को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं किस तरह के नोट्स हैं हमारे। तो सबसे पहले शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने पार्ट हैं। तो सबसे पहले कुल भाग इसमें 6 हैं। पहला भाग जो है हमारा अवधारणा एवं आवश्यकता, भाग 2 है हमारा शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, भाग 3 है हमारा व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना, भाग 4 है सीखने के लिए आकलन, और भाग 5 है हमारा विद्यालय नेतृत्व, और भाग 6 हमारा परिशिष्ट है। यानी हमें शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के प्रत्येक भाग के बारे में जानना है। इनके बारे में हमें सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण संग्रह की आवश्यकता और अवधारणा। स्कूल का ऐसा वातावरण कि जिसमें बच्चों को न केवल शिक्षकों के द्वारा बल्कि कक्षाओं तथा स्कूल परिसर के परिवेश से भी सीखने को मिले। शिक्षण संग्रह एक पुस्तिका के रूप में ऐसी सूचनाओं का संग्रह है जो आकर्षक स्कूल परिसर, शिक्षण कौशलों, शिक्षण योजनाओं, लर्निंग आउटकम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से संबंधित है, और जिनका उपयोग शिक्षक दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनुश्रवण योजना, यानी जो आप कर रहे हैं उसका अनुसरण किस तरह से किया जाएगा। तो अनुश्रवण आपका ब्लॉक स्तर पर ARP द्वारा किया जाएगा। ARP मीन्स एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, और जिला स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा किया जाएगा, और प्रदेश स्तर पर लर्निंग आउटकम आधारित परीक्षाएं होंगी, उनके द्वारा आपका अनुश्रवण किया जाएगा। BEO द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जाएगा। BEO शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के समूह बनाकर, यानी BEO शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के समूह बनाएंगे, मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों, शिक्षण अधिगम की गतिविधियों का अनुसरण करेंगे। सभी स्कूल के हेडमास्टर माह के प्रत्येक सोमवार को, इन प्रश्नों को भी इसके साथ साथ आपकी प्रश्नावली भी तैयार हो जाएगी कि किस सोमवार को, यानी सभी स्कूल के हेडमास्टर जो हैं माह के प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करेंगे और आंतरिक मूल्यांकन
करेंगे। हेड टीचर्स अभिभावकों एसएमसी के सदस्यों की मासिक बैठक करेंगे और लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराएंगे। नेक्स्ट आता है शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तुएं, यानी शिक्षण प्रभावी शिक्षण कैसे करें। तो प्रभावी शिक्षण शिक्षक के लिए प्रोफेसर एन के जगीरा ने एक पुस्तक लिखी है प्रभावी शिक्षक, तो इसमें उसको दिया गया है कि किस तरह से प्रभावी शिक्षण करें। और इन्होंने प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी बताई है जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स ए से शुरू होती है जेड तक, यानी इसमें 26 लेटर्स हैं और प्रत्येक लेटर्स का अपना अलग महत्व है। जैसे ए सक्रिय भागीदारी, यानी इसकी इंग्लिश दी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। बी व्यस्त कक्षा यानी बिजी क्लासरूम। सी सहयोगी अधिगम यानी कॉरपोरेट लर्निंग। उसके बाद कार्य प्रदर्शन, मैं हिंदी में बता देता हूं, आप इंग्लिश में अपने मॉड्यूल में देख लीजिए। उसके बाद अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। उसके बाद लक्ष्य निर्धारण यानी कि गोल डिटर्मिनेशन। उसके बाद हास प्रयास, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, अधिगम पत्रिका, अधिकर्ता को जानिए, अधिगम संबंध स्थापन, संसाधनों की व्यवस्था, परस्पर बातचीत, एन से मतलब नेगोशिएशन, परस्पर बातचीत, कक्षा के बाहर अधिगम गतिविधियां, उसके बाद प्रशंसा और प्रोत्साहन यानी पी से प्रेज एंड एनकरेजमेंट। उसके बाद क्यू से पहेली या प्रश्नोत्तर यानी कि क्विज। और उसके बाद क्यू के बाद आता है अधिगम का स्वदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लर्निंग। उसके बाद सफलता का अनुभव, सक्सेस एक्सपीरियंस। उसके बाद दल शिक्षण और तथा सहयोगी। एस के बाद पी क्यू आर एस, एस के बाद टी। उसके बाद अनपेक्षित स्थितियों का सामना। उसके बाद विविधता। उसके बाद कामकाजी वातावरण। उसके बाद मूल्यांकन हेतु परीक्षण। और उसके बाद आप यानी कि यू। उसके बाद जोश व उमंग झील। और उसके बाद प्रभावी शिक्षण। तो इस तरह से हर लेटर्स का आपका मतलब दिया हुआ है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में, सबके अर्थ आप लिख लीजिए। यानी ए से आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इन्होंने हिंदी में दिया है, साथ के साथ अगर ये इंग्लिश में भी दे देते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि इंग्लिश में भी हमें याद करना पड़ेगा। ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, सी से कॉरपोरेट लर्निंग। तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियों को, यानी हर लेटर्स का आपका एक मतलब होता है। उसके बाद आता है शिक्षण योजना। आखिर शिक्षण योजना क्या है? शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्बलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण होता है। साथियों, जो मैंने पीछे बताया आपको ए से जेड तक के लिए जो आपकी प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको मॉड्यूल संबंधी जानकारी मिल जाएगी, उसमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को आप ध्यान से देख लीजिए किसका क्या मतलब है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अच्छे शिक्षक की पहचान करें योजना का निर्माण। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपका अक्सर आ जाता है कि अच्छे शिक्षक की, इसमें खालिस्तान बराज दिया जाता है। उसके बाद आते हैं शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, यानी शिक्षण योजना के क्या क्या आपके प्रमुख बिंदु होंगे। सबसे पहले चयनित लर्निंग आउटकम, यानी आपको लर्निंग आउटकम लेना पड़ेगा। उसके बाद गतिविधि, विधियों व सामग्री का चयन करना। उसके बाद समय का निर्धारण। उसके बाद सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। उसके बाद सतत आकलन एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन। और लास्ट में आएगा आपकी शिक्षण की रोचकता। तो ये शिक्षण योजना के आपके प्रमुख बिंदु हुए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी शिक्षक डायरी। आखिर शिक्षक डायरी क्या है? इसमें बताया गया है इस मॉड्यूल में, प्रतिदिन के कार्य को व्यवस्थित ढंग से दर्ज करने और आगे के काम को नियोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह शिक्षकों के लिए एक स्व मार्गदर्शिता होती है। उसके बाद शिक्षण डायरी का स्वरूप कैसा होगा, इसमें आपको बताया गया है। शिक्षक डायरी के आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका मुख पृष्ठ होगा, जिसमें शिक्षक की सामान्य जानकारी होगी। उसके बाद
विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप होगा, यानी जिसमें आपको शिक्षण योजना लिखनी है। उसके बाद शिक्षण योजना के रिक्त प्रारूप होंगे जो आपके 100 प्रतियां होंगी। उसके बाद शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण, साप्ताहिक विवरण की आपकी 50 प्रतियां होंगी, यहां पर आप 50 प्रतियां और लिख लीजिए। उसके बाद 10 रिक्त पन्ने आवश्यकता अनुसार शैक्षिक सूचना अंकित करने के लिए अपना पन्ने आपके होंगे। तो इस तरह से ये शिक्षक डायरी के बारे में बताया गया। उसके बाद शिक्षक डायरी का प्रारूप किस तरह का होगा, सबसे पहले आप दिनांक, कक्षा, विषय, समय लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में चयनित लर्निंग आउटकम लिखेंगे, फिर प्रकरण लिखेंगे, फिर आवश्यक संसाधन लिखेंगे, और उसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां, इसमें आप 4 कॉलम बनाएंगे। और पहला कॉलम क्रम संख्या का होगा, दूसरा चरण, तीसरा समय, और चौथा आपका आकलन के तरीके। और चरण भी आपके 3 होंगे, शिक्षण के प्रारंभ में जिसमें आपकी 5 मिनट लगेंगे, शिक्षण के दौरान जिसमें आपकी 20 से 25 मिनट लगेंगे, और शिक्षण की समाप्ति पर जिसमें आपकी 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद गृह कार्य, उसके बाद शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आकलन, ये आपके कॉलम होंगे। नोट, शिक्षक डायरी में इस प्रारूप के 100 पृष्ठ होंगे, यानी इस तरह के आपके 100 पृष्ठ होंगे। शिक्षक द्वारा सप्ताह में किए जाने वाले कार्यों का विवरण आपको लिखना है, किस तरह से लिखना है, दिन, दिनांक, ये कॉलम बनेंगे, प्रथम वादन, द्वितीय वादन, तृतीय वादन, चतुर, पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम, इस तरह से कॉलम आपके बनेंगे। इस प्रपत्र के आपके 50 पृष्ठ शिक्षक डायरी में होंगे। उसके बाद आता है लर्निंग आउटकम, शिक्षण योजना का आधार होगा। लर्निंग आउटकम के और भी नाम होते हैं, ये भी आपको याद करने हैं, जैसे सीखने का प्रतिफल, ये भी आपको लर्निंग आउटकम के अंतर्गत ही आता है। सीखने संबंधी परिणाम, ये भी लर्निंग आउटकम के याद आता है। और शिक्षण अधिगम परिणाम, इसे भी लर्निंग आउटकम कहते हैं, यानी लर्निंग आउटकम के आपके 3 नाम और होते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है लर्निंग आउटकम बच्चों की सीखने के प्रगति का संकेतक है। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों से संबंधित हैं और NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं। RTE 2009 में गुणवत्तापूर्ण सीखने पर बल दिया गया है, यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। उसके बाद नेक्स्ट है अधिगम परिणाम तालिका, यानी प्रेरणा तालिका, कक्षाओं और विषयों के लिए निर्धारित दक्षताएं। SCERT UP द्वारा दक्षताओं का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया है, तो इसको भी आपको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षक से अपेक्षा, यानी शिक्षक से क्या अपेक्षा की गई है। कक्षाओं में सभी विषयों के शिक्षक अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाएं अवश्य प्रदर्शित करें तथा उन्हें ही लक्ष्य मानकर दैनिक शिक्षा शिक्षण करेंगे। तो आपको कैसे करना है, प्रेरणा लक्ष्य विषयवार है, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका। क्या क्या है, प्रेरणा लक्ष्य विषयवार लक्षक हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, इस तरह से आप विषयवार लक्ष्य ले लेंगे। प्रेरणा सूची में कक्षावार और विषयवार लक्ष्य हैं, और प्रेरणा तालिका में विद्यार्थीवार, कक्षावार और विषयवार लक्ष्य है, यानी जो प्रेरणा तालिका है उसमें विद्यार्थियों की संख्या और जोड़ दी गई है। कक्षा 1 में प्रेरणा तालिका आप किस तरह से बनाएंगे, हिंदी 4, गणित 4, इस तरह से आप बना देंगे। उसके बाद समेकित संख्याएं, संख्यात्मक तालिका, कक्षावार, माहवार और विषयवार विभिन्न लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर चुके बच्चों की संख्या दर्शाती है आपकी समेकित संख्यावार तालिका। प्रत्येक बच्चे की प्रगति पत्र प्रोफाइल पर उसकी प्रगति की 3 स्थितियां हो सकती हैं, जैसे आप उसकी प्रोफाइल पे अंकित करेंगे तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली तो पूर्ण रूप से उसने लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया हो, दूसरी स्थिति हो सकती है आंशिक रूप से उसने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया हो, और तीसरी स्थिति उसकी हो सकती है कि उसने नगण्य आपका लर्निंग आउटकम प्राप्त किया, यानी उसने प्राप्त ही नहीं किया। लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हेतु प्रभावी शिक्षण जरूरी है, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण योजना जरूरी है। इस तरह से ये आपके नोट्स हुए जो मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया। सेकंड पार्ट में हमारे क्या क्या दिया हुआ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो साथियों अब बात करते हैं इन नोट्स की PDF को डाउनलोड करने की, किस तरह से आप इन नोट्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वीडियो के नीचे आपको एक ट्रायंगल का निशान मिलेगा यानी त्रिभुज का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा, उसमें इसकी PDF का लिंक आपको मिल जाएगा।
उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ को इसके, क्योंकि मुझे पीडीएफ डिलीट करनी होती है, मेरे फ़ोन की मेमोरी भर चुकी है, तो इसलिए वीडियो बनाने के बाद मैं पीडीएफ को डिलीट कर देता हूं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा, और लिंक के माध्यम से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।